हेलो गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो जो न्यू है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक न्यू न्यू रेसिपी सीखने के लिए, एक न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ यूपी बिहार का फेमस गेहूँ के आटे का गुलगुला की रेसिपी। देखें, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और बहुत जल्द बनकर रेडी होता है और बहुत हेल्दी भी है। तो फुल वीडियो में बने रहें और चले बनाते हैं। अब बनने के बाद ये बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं तो आप देख सकते हैं। गुलगुले बनाने के लिए यहाँ मैं ले ली हूँ 1 kg गेहूँ का आटा। तो ये मैंने छान कर ले ली हूँ, मैंने इसके अंदर ही छाना है। ये थोड़ा सा गीला था तो यहाँ साइड साइड में लग चुका है। तो मैं गेहूँ के आटे से बना रही हूँ, इससे बहुत हेल्दी बनता है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। यहाँ मैं ली हूँ तिल, ये बाउल से 1/2 bowl है। तो ये तिल जो है मैं इसमें से आधा इसके अंदर यूज़ कर लूँगी। इससे क्या है, बहुत सोना सोना सा बनकर रेडी होता है गुलगुले और बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। यहाँ 1/2 teaspoon के करीब नमक ऐड करेंगे। हर मीठी चीज़ में नमक डालने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है शक्कर चीनी का। तो यहाँ मैं ली हूँ बड़े से बाउल में थोड़ा सा कम चीनी है, तो इसको पहले मैं जार में ग्राइंड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं ले ली हूँ पानी, उसके बाद गुलगुले के आटे को गूंदेंगे। तो यहाँ जो चीनी है वो बिल्कुल पीस चुकी हैं, मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर दी हूँ। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे गूनेंगे। ये यूपी और बिहार का बहुत ही फेमस गुलगुले हैं, इसे हर मौके पे यूपी बिहार वाले बनाते हैं। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी सी पानी ऐड करके। और आप रेसिपी को देखकर ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। और 4 से 5 रोज़ आप रख सकते हैं, इसको रख कर खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। ये जो गुलगुला है हमारे यहाँ शादी से एक दिन पहले भी ज़रूर ये बनता है, रात जग्गे के दिन ये सारी रस्में होती हैं, ये गुलगुला ज़रूर बनता है। तो ऐसे भी ये बहुत टेस्टी ही बनता है और हम लोग ऐसे भी घर में बना लेते हैं। तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा ये गुलगुले की रेसिपी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। और देखें, बिल्कुल थोड़े थोड़े से पानी लेकर इसको गूंदना है, ज़्यादा पानी ना डालें एक बार में, नहीं तो ये ऑलरेडी चीनी भी पड़ी हुई है तो ये पानी छोड़ देगा। तो थोड़े थोड़े से पानी से ही गूंदें। अब मैं इसे इसी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। तो यहाँ मैं लेती हूँ कपड़ा, रोटी का कपड़ा, और इसको अच्छा से साफ कपड़े से कवर कर दें, ऊपर से लिड रख दें। इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें, रूम टेम्परेचर पे रखना है। हाँ, ये बिल्कुल सेट हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है देखें। तो एक बार इसको अच्छे से गून लेते हैं फिर दोबारा से। तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छे से गून गया। तो यहाँ थोड़ा सा गेहूं के आटे हाथ में लगाएंगे और थोड़े छोटे छोटे से लोई बना लेंगे, इस तरह से करके जैसे रोटियां बनाते हैं। थोड़ी मोटी रहेगी ये, छोटी छोटी सी मोटी मोटी इस तरह से लोई बना लेंगे। यहाँ मैंने 8 लोई बना ली हूँ। यहाँ लोई का चकला बना लेंगे इस तरह से। और इसमें ये जो मैंने तिल आधा बचा कर रखा था उसे इस पर प्रेस कर लेंगे और इसे अच्छे से पूरी की साइज में बेल लेंगे। इस तरह से बेलना है, हल्के हाथों से बेलें, ज़्यादा दबा दबा कर ना बेलें।
आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं इतना ही बड़ा साइज़ रखूँगी। मैं इसी तरह से सेवन जो लोई और बनाकर मैंने रखा है उसे भी बेल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेल कर रेडी कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने गैस पे ऑयल भी अच्छे से गरम कर लिया है, तो चलें इसको अब तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से गरम है। आप इसे सरसों के भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने एक बार करके देखा है, मुझे बहुत टेस्टी लगा था, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ ऑयल अच्छे से गरम है, फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक एक करके ऐड कर देंगे। एक एक करके ही इसको सेकेंगे। जब भी कोई चीज़ तलें तो फ्लेम को मीडियम करके ही डालें उसे ऑयल के अंदर, नहीं तो एक तरफ से बहुत ज़्यादा सिक जाएगा, ब्लैक हो जाता है, और एक तरफ से गोल्डन रह जाता है। और ये देखें कितना अच्छा से फूल रहा है, तो इसको इस तरह से करते जाएं, ये फूलते जाएगा। आप इस आटे को जो बच जाए तो आप स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं, आपका जब भी दिल करे आप गरम गरम बनाकर इसे खा सकते हैं। तो देखें कितना फूला फूला गुलगुला सिक रहा है। तिल जो है सर्दियों के मौसम में खाना भी चाहिए किसी भी तरह। तो तिल तो मैंने इसमें आटा गूंथते वक्त भी डाला था और ऊपर से भी लगाया है, तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हो चुका है, मैं इसे निकालूंगी, इस एक और मैं डाल देती हूँ तब तक, और इसे निकाल लेती हूँ। तो देखें ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक चुका है। थोड़ा सा इसका ऑयल इस तरह से करके, इसका ऑयल जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो नीचे गिर जाए, निकाल लेना है और इसे भी उसी तरह से तल लेना है। तो यहाँ मैं फ्लेम मीडियम ही रखी हूँ, हाई अभी नहीं की हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से ये सिक रहा है। देख सकते हैं ये इतनी खूबसूरत दिख भी रहा है, तो खाने में भी कितना टेस्टी होगा। तो देखें यहाँ गुलगुले बिल्कुल रेडी हैं और कितना अच्छा दिख रहा है। तो जिसको जिसको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ अपने घरों में ट्राई करें, मेरे वीडियो को आगे शेयर करें। जो न्यू है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक न्यू रेसिपी सीखने के लिए, एक न्यू वीडियो देखने के लिए, तो फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर।